24 लाख बच्चों का आप नाम स्कूल से काट देंगे, स्कूल में जाएगा कौन? तो उस विद्यालय में आप कह देंगे कि भाई सारे बच्चों को आना है, तीन दिन नहीं आएंगे तो नाम काट देंगे, तो बच्चे आएंगे तो बैठे हैं कहाँ? टीचर जो है उसके अंदर खौफ का माहौल आ गया है, कोई सरकार के खिलाफ कुछ सोच नहीं सकते हैं, अफसरशाही के पक्ष में बदलाव होने लगे तो संकट है। के पाठक ने अनावश्यक तरीके से विपक्ष को मुद्दा थमाया, बाकी तमाम पार्टियों से भी बात हो रही है और हमें लगता है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, मगर सवालों के घेरे से निकालने के लिए के पाठक लगातार एक कर एक आदेश जारी कर रहे हैं। शिक्षकों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी काम किए जा रहे हैं, मगर सवाल अब के पाठक पर भी उठने लगा है। सवाल यह कि आखिर जिस तरीके से एक कर एक फरमान जारी कर रहे हैं, क्या इससे स्थिति बदलेगी? हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं। संदीप जी, क्या स्थिति बदलेगी बच्चों के जिस तरीके से नाम काटे गए, क्योंकि अटेंडेंस को लेकर के कई सवाल थे, के पाठक ने एक्शन लिया, इसे आप किस रूप में? स्कूल में बच्चे पहुंचे, शिक्षक पहुंचे, ये सब लोग चाहते हैं, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं, लेकिन 24 लाख बच्चों का आप नाम स्कूल से काट देंगे तो स्कूल में जाएगा कौन फिर? और ये 24 लाख बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? तो जो भी पॉलिसी बने उसका आगे पीछे ये सब देखना चाहिए। के पाठक के साथ समस्या क्या है कि ये सरकार में सबसे जिम्मेदारी वाले विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। अब तीन दिन कोई विद्यालय में अगर नहीं जाएगा तो नाम काट देंगे, अगर ये फरमान जारी आप कर देते हैं, और तीन दिन किसी बच्चे का बीमार, कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कहीं रिश्तेदार के यहाँ चला गया या किसी कारण से नहीं आया, तो आप उसका नाम काट देंगे? तो ये बच्चे को आप पढ़ाना चाह रहे हैं कि भगाना चाह रहे हैं? एक तो ये बात है। इसीलिए ये जो 22 लाख 24 लाख जो भी संख्या है, इन सब लोगों को तत्काल स्कूल में बुलाया जाए, और स्कूल का जो बुनियादी ढांचा है जिसके चलते पढ़ाई लिखाई में कमी है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, पटना में ही हमने एक विद्यालय देखा है, बख्तियारपुर में, विद्यालय के अंदर 40 शिक्षक हैं लेकिन दो कमरा है, 40 शिक्षक हैं और दो कमरा है, तो उस विद्यालय में आप कह देंगे कि भाई सारे बच्चों को आना है, तीन दिन नहीं आएंगे तो नाम काट देंगे, तो बच्चे आएंगे तो बैठे हैं कहाँ? सवाल तो है। तो बुनियादी ढांचों को दुरुस्त पहले करके, शिक्षकों की बहाली हो रही है बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा मैसेज बिहार के अंदर है, लेकिन भवनों का निर्माण और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सबको दुरुस्त अगर आप कर लेते हैं, मुझे लगता है नियमित रूप से बच्चे भी तो आने लगेंगे। पहले जो नहीं आते थे, पहले यह भी सवाल होता था कि बच्चे नहीं स्कूल जाते। हाँ, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते हैं? इसका तो पहचान करना पड़ेगा, क्यों नहीं आते हैं? अगर एक कक्षा में सीटिंग कैपेसिटी 50 लोगों की है, एडमिशन 150 लोगों का है, तो बाकी 100 बच्चे तो नहीं ही आएंगे ना, बैठे हैं कहाँ आएंगे? तो उनको पता है कि नहीं बैठ पाएंगे, वो एक दिन आ भी गए तो अगले दिन नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली जाए, ठीक। बाकी ये बात सही है कि स्कूल में बच्चे आएँ, इसके लिए अनुशासन ज़रूरी है, ये सब चीज़ हम मानते हैं, लेकिन डंडे से चीज़ें नहीं चलती हैं, कार्रवाई करके चीज़ें सिर्फ नहीं चलती हैं, समझा करके, एक माहौल बना करके, परिवेश उस तरह का बना करके तब चलता है। आपको नहीं लग रहा है पहले से काफ़ी कुछ बदला है, दुरुस्त हो रही है शिक्षा व्यवस्था? टीचर जो है उसके अंदर खौफ का माहौल आ गया है। अच्छा, डर टीचरों को आपने कर दिया कि आप कोई सरकार के खिलाफ कुछ सोच नहीं सकते हैं, आपने व्हाट्सएप स्टेटस से कुछ पे लगा दिया सरकार की किसी नीति के खिलाफ, छुट्टियों में कटौती हो गई, आपने लिख दिया कि भाई ये गलत चीज़ है, आपकी नौकरी चली जा रही है। तो ये चीज़ें बदलाव, अच्छी चीज़ें बदलाव हो तो हम चाहते हैं, हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, हमारी आज की तो रैली इसी बात के लिए कि बिहार में बदलाव हो, जनता के पक्ष में बदलाव हो, लेकिन अफसरशाही के पक्ष में बदलाव होने लगे तब तो संकट है। और संदीप सौरभ जी, अब आप पे भी सवाल उठते हैं कि आप के पाठक के खिलाफ लगातार बोलते हैं, उनके अच्छे कामों के खिलाफ भी बोलते हैं, उनके उन जो फरमान जारी करते हैं अक्सर आप उस फरमान के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, आपने 5 अच्छा काम किया और उसके बाद 20 खराब काम किया, तो जो आपने अच्छा किया वो तो ढक जाएगा ना। हमने आपको खूब खिलाया पिलाया और अंतिम में खिलाने पिलाने के बाद आपके साथ गाली गलौज कर दी। संदीप सौरभ मानते ना कि के पाठक ने काम अच्छा भी किया? वो तो मूल्यांकन ओवरऑल ही होगा। हम तो देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर बैठ करके जहाँ पे बिहार के अंदर सरकार की चर्चा पूरे बिहार में हो रही थी कि लाखों की संख्या में बहालियाँ हो रही है, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, बीजेपी का विरोध करने के बावजूद कास्ट सर्वे करवा लिया गया है, तो एक सरकार के पक्ष में माहौल जहां बनना चाहिए था,
के पाठक ने अनावश्यक तरीके से विपक्ष को मुद्दा थमाया है, ये तो आप इसे इनकार अभी नहीं कर सकते। बिहार में जब जातीय गणना का रिपोर्ट आया और उसमें दिख रहा है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनकी स्थिति कमज़ोर है, तो ये ऊपर कैसे जाएंगे? तो इनके लिए कुछ सहूलियत सरकार को देना चाहिए, आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया। अब के पाठक क्या कर रहे हैं कि सारी बहालियाँ जो बिहार के कॉलेज में होगी, स्कूलों के अंदर होगी, उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया, उसमें कहीं आरक्षण का रोस्टर नहीं है, तो दलित बैकवर्ड जो गणना आपने की है उसका कल्याण कैसे होगा? तो इसका अगर हम विरोध करेंगे, आप काम कर रहे हैं के पाठक संदीप जी, और आप कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं, तो भाई महागठबंधन की सरकार है, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यानी अच्छा काम कर रहे हैं ना? महागठबंधन की तमाम पार्टियों को अपना समझना, हम लोग भी समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, बाकी तमाम पार्टियों से भी बात हो रही है और हमें लगता है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। राजद और कांग्रेस अब तक समझ नहीं पाई है, अब माले को समझाने पड़ रहा है। वो बात हम कहाँ करें कि समझ नहीं पाए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा कि ये मामला क्या है। बिहार के अंदर ये शिक्षा विभाग के कैलेंडर को सांप्रदायिक तरीके से बांटना, अनावश्यक तरीके से टीचर्स को प्रताड़ित करना, 9 से 5 का शेड्यूल में आपने उनको बांध दिया, जो महिलाएं हैं, शिक्षिका हैं, जो नए नए जिनकी बहाली हुई है उनको आपने दे दिया है दूर दराज, ई कोठी का चावल ऊ कोठी में, पूर्णिया के लोगों को रोहतास में, रोहतास के लोगों को दे दिया है आपने कटिहार में, तो ये जो आपने किया है ये तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था। बगैर शिक्षकों के उत्पीड़न के भी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकता है, हम ये चाहते हैं। अरे क्या लगता है चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? चुनाव में लोग समझ रहे हैं और ये चुनाव से पहले इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, चुनाव से पहले इन सब चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, हम लोग इसी बात पे लगे हुए हैं। और चुनाव देखिए बिहार का मूल्यांकन नहीं होना है, चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार का मूल्यांकन महागठबंधन का नहीं होना है, ये जो चुनाव है ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें मोदी के कामकाज का मूल्यांकन होना है, इसमें इस बात पर बात होगी कि भाई बिहार के अंदर पिछले 6 साल तो 25 में है ना, 25 के पहले गंगा में बहुत सारी पानी बहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और आप देखिए कि समूचे देश के अंदर ये मिसाल बिहार ने दिया है कि एकमात्र ऐसा राज्य जो लगातार लाखों की संख्या में बहालियां ला रहा है, ये और तो कोई राज्य में नहीं है, तो इसको भी जनता देख रही है। लेकिन बहरहाल जो 24 का चुनाव है वो लोकसभा का है, और इसमें मोदी जी ने क्या वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दे रहे हैं, सबको पक्का मकान देंगे, और 6 साल से एक नाम नहीं जुड़वाया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। पर संदीप सौरभ और CPIML का सुन कौन रहा है? शुरू से आप चिल्ला रहे हैं हटाइए हटाइए, कार्रवाई कीजिए कार्रवाई कीजिए, अब तक कहाँ कार्रवाई हुई? कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, ऐसा थोड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब तक आपकी कोई मुलाकात या डिप्टी सीएम से? हाँ, इसी सिलसिले में अभी तक बात, दोबारा सेकेंड राउंड में बात नहीं हुई है, करेंगे हम लोग करेंगे। तो आपने सुना संदीप सौरभ जी को, खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।